मलाई कर उड़ा भाई, खराब पड़ चुकी है ब्लॉग में। ये तो फ्रेश है बिल्कुल। अरे यार सो गाइस देखो झरना आने वाला है यहाँ पे। शुरू में भी देखा होगा आपने कल की वीडियो में, लेकिन आज भी दिखा देते हैं। अभी ये देखो गाइस, यहाँ लंडे उतरते हुए नीचे को लीड कौन कर रहा भाई। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज योर बॉय यूके रिटर्न बैक अगेन। भाई यहाँ जहाँ पे यहाँ पे सुबह हो गई है और अभी कैंपिंग करके मजा नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ टट्टे करने की सुविधा नहीं है। सॉरी गाइस ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन यार यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। इतने भी यहाँ पे टेंट लगे हुए भाई, बहुत सारे मतलब 200-300 टेंट लगे हुए कम से कम, लेकिन ये है कि कोई सुविधा नहीं है टॉयलेट की। यहाँ पे सारे नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे पीछे की साइड देख लो क्या सीन है यहाँ पे, और ठंड बहुत है। यार देखो पूरे पहाड़ में बर्फ़ जम गई। यार ये एरिया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये अपने टेंट यहाँ लगे थे भाई, यहाँ देखो इतनी उबड़ खाबड़ जमीन ना, मां कसम पीठ टेढ़ी होगी बिल्कुल। भाई तुम क्या कर रहे हो? उंगली लक्की को मजा दो साहिल थोड़ा सा। जम गया है पानी इसका, बस करो। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 5:30। पीओके फतह करेंगे और हमारा पीओके सारे भी कैंप जो ये है पीओके वाले जो पाकिस्तानी से बंकर तबाह करेंगे, लड़की को छोड़ देंगे। अभी करें खाना खाने के बाद, पर ब्रेकफास्ट जरूरी है, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद। ब्रेकफास्ट में गोलियां खाएंगे और वो बोतल खाएगा। हम अपना झंडा लेके तैनात हैं यहाँ पे पहाड़ों के बीच, इन कैंपों के बीच अकेले हम ऐसे ही लोग हैं जो गाजियाबाद से आए हैं झंडा लेके, और वहाँ उस पॉइंट में झंडा लगाना है। चलो झंडे की हालत हो चुकी है खराब थोड़ी, तो कुछ करो झंडे की हालत। उधर कुछ करते, उधर कुछ करते आओ भाई, लगा देंगे ऊपर ही। फ्लैग चेंजिंग सेरेमनी, ओए गाली मत दो यार, कमेंट में गाली बहुत पड़ेगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत ऊपर है गाइस, जय ना कूद जा। यस गाइस कैसा लग रहा है झंडा लगा के? बढ़िया लग रहा है भैया बहुत ज्यादा। ये हमने जब ही सोचा था कि वो खराब हो रहा था झंडा, तो उसको जब ही लगा देंगे हम। बहुत बढ़िया भाई, क्या लग रहा है वैसे, गिरेगा तो नहीं भाई? दीवार ना गिरा दी कोई। हाँ भैया बताओ इस एरिया के बारे में दोबारा बताओ जरा। तो भैया ये एरिया पड़ता है त्रियुंदेश एरिया का नाम, मैक्लोडगंज में पड़ता है एरिया। तो ये 4 से 5 घंटे का ट्रैक होता है, 2 जगह से शुरू होता है। हमने बक्सुनाथ वाटरफॉल से किया था ये ट्रैक शुरू, हम लोग मतलब लड़के लड़के हैं तो हमने जल्दी कर लिया था, 3.5 से 4 घंटे में हमारा हो गया था। हमारा 10 जनों का ग्रुप आ रखा है यहाँ से, हम गाजियाबाद से और आधे जने देहरादून से, तो 7वीं आए हैं सब लोग। बहुत बढ़िया, अगर आप जैसे देख सकते हैं व्यू वगैरह भी बहुत सुंदर, और ऊपर तक है भाई। हाँ जी ये ऊपर तक है, ये जो ऊपर की है सारी स्नो लाइन है। अगर आपको वहाँ के लिए ट्रैक करना है तो उसके लिए पूरा 1 हफ्ता चाहिए होता है, 1 हफ्ते बाद मतलब आप वहाँ ट्रैक कर सकते हो पूरा पहाड़ चोटी पे ऊपर। हाँ जी वो चोटी दिख रही ना ऊपर, पूरा बर्फ है वहाँ का। तो भाई यहाँ पे सुविधा कैसी है तुम्हारी? मतलब ये सुविधा जैसे वॉशरूम वगैरह लड़कियों के लिए सही है, वॉशरूम वगैरह उनके लिए है, मतलब है? हाँ, लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए है। कहाँ पे है? आगे की साइड वो पिंक टैंक देख रहे हो आप? हाँ हाँ अच्छा, वो लड़कियों के लिए वॉशरूम दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, तो लड़कियों के लिए ओके है, लेकिन लड़कों के लिए खुले में, मतलब खुले में जा सकते हो। जैसे कि हमारे कुछ ये भाई साथ ही गए थे, 3 बजे गए थे रात के भाई, हमारे 3 बजे हमारे 3:30 बजे रात को हम वहां लाए हैं, और इन भाई को भालू भी मिला था रास्ते में। भालू से मेरा काफी अच्छा एनकाउंटर रहा रात को। तो ये सब तो मजाक की बात रही, पर यहाँ पर क्या है कि मतलब लड़कों के लिए नीचे आप कहीं भी जा सकते हो, बहुत जगह है, बहुत जगह है। बाकी ये सारे खाने पीने के जैसे आप देख सकते हैं, ये सारे टैंक है, काफी सारे लोग आते हैं, तो आप ऐसा कभी फील नहीं करोगे कि आप अकेले हो, और आप मौसम तो देख पा ही रहे हो बिल्कुल भाई। बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ से सनसेट भी होने वाला है, यहाँ से पूरा सनसेट सनराइज भाई हिमाचल का व्यू। कुछ कहना चाहोगे आप? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत हार्ड था यहाँ का, बहुत टफ लाइफ है यहाँ की, बट कॉस्टिंग खाने को क्या मिल रहा है? वो क्या आलू पूरी चिकन था, अभी सुबह सुबह तो आलू पूरी मिलेगी, हम एक्सपेक्टेड है। यहाँ की गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए केला दे दो, केला दे दो यार। हेलो भाई गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग, कुछ तो बोलो भैया, कैसा लगा? एकदम मस्त, मजा आ गया, बढ़िया आ गया, कट्टे कर ली तुमने, एक तरफा मजा आ गया। उतर जाएंगे एक डेढ़ घंटे के, तो कोई बात नहीं। देखो गाइस, यहाँ लंडे उतरते हुए नीचे को लीड कौन कर रहा भाई, और पीछे का नजारा कुछ ऐसा है दोस्तों, ऐसा नजारा कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा, और यही मिलेगा ऐसा नजारा। ये प्राइवेट कुत्ता हमारा, ये हमारा रॉकी, ये हमारा लीडर है। चलो शेरू आगे, चल शेरू आगे भाई, ट्रैकिंग बड़ी खतरनाक है यार, भयंकर। ओ भाई, सबसे पहले धूप स्टेडियम में पड़ रही है यहाँ से मॉर्निंग में, क्या बात है यार। यहाँ देखो गाइस यार, क्या ही सीन है, बैन सिस्टम हैंग हो रखा है। ये देखो गाइस सीन, यहाँ से नीचे है ना पूरा, यो यहाँ से शुरू होगा गाइस नीचे ट्रिप, मजा आ जाएगा बिल्कुल ही भाई। क्या ही देखो, लोग कह जा रहे नीचे को, पूरा खतरनाक ढलान है भाई। तुम्हारे घुटने अगर सही है तो तुम कर लोगे, वरना तो कोई चांस नहीं। और हमारे भाई के घुटने सबसे पक्के हैं, देखो घुटने चाहिए ग्रीस, ग्रीस लुब्रिकेंट। चलो भाई देसी घी की ग्रीस। चलो फिर ये चेक करो गाइस, कहाँ से हम नीचे उतरने वाले हैं अब। सो गाइस देखो, झरना आने वाला है यहाँ पे, शुरू में भी देखा होगा आपने कल की वीडियो में, लेकिन आज भी दिखा देते हैं। अभी इतने लोग हैं नहीं, सुबह सुबह बहुत कम लोग हैं। खाई देखो भैंकर, ये फ्लैग से क्या होते हैं यार, ऐसे मंत्र लिखे हुए ना इनमें? हाँ, ये हिमाचल के लोग होते हैं, ये करते हैं वैसे तो। इधर उत्तराखंड भी तो होते हैं, तिब्बती नहीं कहा शायद। सीन चेक करो गाइस, अब ये देखो झरना, नेचुरल वाटरफॉल, यहाँ डुबकी लगाने मजा आ जाएगा भाई, है नहीं अभी। गोल बोलो कुछ यार, अब वीडियो बन रही, वीडियो गाली गुली मत देना भाई। नहाएगा ये शिवा कैफे था, अगर नहाने का मन है तो सब नहा लो यार, अभी नहीं यार, पहले कॉफी पियेंगे यहाँ पे, नीचे कुंड पे चलते हैं, काम कुंड पे नहाएंगे, या तो फिर ये क्रिकेट ग्राउंड देखना ना, फिर तो वहाँ चलते सीधे, या फिर वरना फिर वहाँ भी जाना ना हमने अमृतसर। भाई आपने पब्लिक को बताया शिवा कैफे के बारे में कि क्या थीम थी वहाँ की? भाई नहीं बताया, तुम बताओ। शिवा के ऊपर थीम थी पूरी वहाँ पे। अच्छा, और प्योर वेजिटेरियन खाना मिल रहा था वहाँ, नॉन वेज नहीं था, गाने भी सिर्फ शिवा के गाने चल रहे थे, एटमॉस्फेयर बहुत वो था, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और एक साइड आपका वो चल रहा था आपका वाटरफॉल, और ऊपर की साइड कैफे था, क्या बात है। तो गाइस ये ट्रैक हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे, बहुत मजा आया, कैसा मजा आया? बढ़िया बढ़िया मजा आया, सब साके तो भाई लोग ही थे भयंकर, मेरी हाथ पर शरीर छोड़ दे तो बैठ के ले यार, लेकिन खतरनाक फील हो गए सिस्टम है। अभी देखते क्या सीन है, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड चलेंगे भाई, तुम बोलो कुछ। सो अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी, इट्स द इजीएस्ट ट्रैक आई हैव डन बिफोर, एंड आई विल फॉर श्योर कम अगेन फ्रॉम दिस रूट ओनली। या आई थिंक यू डिड इट इन 3 आवर्स राइट? या And the downhill one hour. Downhill it's around 1.5 to 2 hours. And you meet lot of foreigners. Yeah, like from Israel, Poland, Germany, USA, England, and also England, Venezuela, and New Zealand. Also the South American. South American. Venezuela. Yeah, guys. They all are good. And what I observed that they mostly they come here for their physical strength, to examine their physical health strength and all above. Yeah. रसगुल्ले भाई। पर रसगुल्ले लक्की। लड़की दिखाओ ना। ओए अगर किसी लड़की की बाढ़ मारो तो। ब्लॉग बना लो आगे। लड़की जल्दी है। जब जिम जा रही थी अपने ऐसी चल रही थी वो। मलाई करोड़ा। मलाई करोड़ा। कैमरा देख। भाई वो वाला दिखाना था जो तुम पकड़े चल रहे थे। ये मलाई करोड़ा। भाई कितना पड़ चुकी है ब्लॉग में। ये जो फ्रेश है बिल्कुल। फ्रेश है हां। चलते हैं।
ओ भाई ओए ओए ओ विकी ठंडा है विकी ठंडा है तैरना आता क्या इसको भाई जेड जेड जाऊंगा सूरी तैर लेता है वीडियो बनाएगी ओ बहुत ठंडा है तो रैंक रैंकिंग करोगे कूदे भाई कूद कूद मान नारे लगाओ शंकर भगवान के जब नारे दो जय श्री राम कूदो जय नहीं तुम जाओ यार मेरे से आजा आजा भाई बहुत ठंडा पानी है बहुत ओ तो भाई ये देखो यहाँ शॉप एंटीक पीस शॉप सारे लड़कियाँ अपने गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रहे हैं लड़कियाँ सारे लड़के सारे लौंडे भाई गर्लफ्रेंड है नहीं भाई आज पांच लड़के तुम बताओ भाई कोई लड़की सिंगल है बता देना यार भाई भाई भी सिंगल है ये सारे लौंडे सिंगल है Single. सारे लौंडे सिंगल इन इंग्लिश ब्रो यह गो ऑन नाउ वी आर इन द मार्केट इट जस्ट अबव ऑन राइट बिहाइंड बक्सु वाटरफॉल सो नाउ वी आर इन द मार्केट एरिया एंड वी हैव ऑल्सो डन शॉपिंग एंड दिस इज माय ब्रदर सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस स्टैमिना या मैन स्टैमिना इज वेरी हाई मैन And what is Sulit really high stamina? Thank you. His test is his test level high. What is trying to say? What is trying to say, man? What is take? Bro, what are you saying, bro? What are you saying? I'm saying that he's in gym and doing ironic challenge. Mardana is going up. His mardana taqat is going up. Sab ye hai ki fitness power honi chahiye sabke andar. Ye kood kood ke aa raha hai. English, bro, English. Yeah, bhai, English. English, man. भारत में हिंदी बोलेंगे इस बंदे का स्टैमिना आज इस बंदे को मान गए इस बंदे ने बैग उठाया है एक ऐसा बैग उठाया है जिसमें जूते बराबर वेट नहीं था कैसे जूते एंड अवर प्रखर भाई कैरियंग अ बैग व्हिच इज हैवी वेटेड इसके अंदर हुक्का है मैंने 20 किलो इट कंटेन्स मनी हैवीएस्ट बैग मनी कुकुम्बर ड्रैगन फ्रूट अरे अच्छा ये तो ड्रैगन फ्रूट है ये तो 50 रुपए के दो है 50